नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी सूजी और हरा मटर का एकदम से यूनिक और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता। एक बार इस तरह से इसको बनाइए जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और जल्दी आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर हरे मटर को मैंने छील लिया था और इसे धुलकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट को बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, दरदरा ही रखना है। अब गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब जीरा से तड़का लगाएंगे, फिर बारीक कटी हुई लहसुन प्याज और हरा मिर्च डालकर फ्राई कर लेंगे। यदि आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। फिर पिसी हुई मटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डालकर सबको साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे साथ में। देखिए अभी अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरा धनिया, धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में मैंने ऐड किया है 2 कटोरी पानी सूजी का डो तैयार करने के लिए। इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी पानी लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा से ऑयल, स्वाद के अनुसार नमक। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें सूजी ऐड करेंगे। जिस कटोरी से 2 कटोरी पानी लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी लिया है। इस तरह से एकदम से परफेक्ट सूजी का डो बनकर तैयार होगा। इसको मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए एकदम ठीक होना शुरू हो गया है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसको इसी स्टेज पे गैस को बंद करेंगे और डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटी हुई। धनिया अच्छे से मिलाएंगे और ठंडा होने के लिए इसको एक तरफ रख देंगे बर्तन में निकाल कर। किसी देखिए इसको मसल मसल के मैंने एक डो तैयार कर लिया है। इसका लोई काट लेंगे और इस तरह से चौकी और बेलन की सहायता से इसको बेलकर पूरी का शेप दे देंगे। और जो मटर का मसाला मैंने तैयार किया हुआ था उसको इस तरह से इसमें भरेंगे और इसको इस तरह से चिपका लेंगे अच्छे से दबा दबा के। कुछ को मैंने इस तरह भी भरा है, खुला हुआ छोड़ दिया है मुंह को। इस तरह से भी बहुत अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब गैस के ऊपर एक पैन में पानी रखेंगे और एक बर्तन में ऑयल ग्रीस कर लेंगे जालीदार बर्तन में। इस तरह से जब पानी उबलने लगे तब इस जालीदार बर्तन को उसमें रखेंगे और जो नाश्ता बनाकर तैयार किया हुआ था उसको अब बारी बारी से डाल लेंगे। इस तरह से दस से 12 मिनट तक इसको स्टीम कर लेंगे। देखिए एकदम से फूल कर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। अब यह हो गया है। इसको गैस को बंद करेंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अब इसे सर्व कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। यदि यह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।